तो दोस्तों काफी समय के बाद में यूके से बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। वैसे तो हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था कि यूके के साथ जो हमारा संभावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है उसको लेकर बातचीत अभी नहीं जम पाई है। कुल 26 चैप्टर्स के ऊपर डिस्कशन होना है, उन्हें शॉर्ट आउट करने हैं, जिनमें से केवल 14 ही संभव हो पाए हैं। और फाइनली जो 10th राउंड की बातचीत थी वो समाप्त कर दी गई है, कोई नतीजा नहीं निकला है। और अब 2023 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर कोई भी अनदर डिस्कशन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भारत और यूके के बीच में नहीं होने वाला है। सारी चर्चाएं 2024 में होगी। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आई है जिसमें भारत का 100% फायदा है और इससे भारत की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। एक्चुअली यूके की तरफ से भारत के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए थे जिस वजह से भारत अपना माल यूके के मार्केट में नहीं उतार पा रहा था। और ऐसा यूके ने इसलिए किया क्योंकि भारत से पहुंचने वाला माल यूके के लोकल माल से ज्यादा सस्ता पड़ रहा था। ऐसी परिस्थिति में उनके जो छोटे कारोबारी थे उन्हें काफी नुकसान हो रहा था। इस वजह से उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी भारत के माल के ऊपर और इस वजह से भारत का माल काफी ज्यादा महंगा हो गया और कॉम्पिटिशन से बाहर हो गया। लेकिन अब फाइनली वो इम्पोर्ट ड्यूटी यूके द्वारा हटा दी गई है। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है और इससे भारत को क्या फायदा होगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पिछले समय हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि भारत के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग संबंधित सभी कंपोनेंट्स जो भारत में लोकली बने हुए हैं उनका ज्यादा इस्तेमाल हो, इस वजह से भारत ने विदेशी कंपोनेंट के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है, जिसका विरोध करने के लिए यूरोपियन देश, ताइवान, चाइना, ये सारे देश WTO पहुंच गए थे और कहा था कि भारत ने जो एग्रीमेंट साइन किया था उसका ये वायलेशन कर रहे हैं। तो कुछ इसी तरह की एक्सपोर्ट ड्यूटी भारत से जाने वाले स्टील के ऊपर यूके ने लगा दी थी। अब भारत चूंकि स्टील उत्पादन में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर भारत है, तो कहने का मतलब भारत बड़े मात्रा में स्टील का एक्सपोर्ट करता है। तो यूके ने भारत के ऊपर ये आरोप लगाया कि भारत काफी ज्यादा सस्ते दामों पर यह स्टील उपलब्ध करवा रहा है, जिससे कि हमारे व्यापारियों को मार्केट में बने रहने के लिए काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है और भारत से जाने वाले स्टील के ऊपर 4% का एक्स्ट्रा शुल्क लगा दिया। अब यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भारत भी WTO क्यों नहीं चले गया, क्योंकि ये भी तो हमारे अगेंस्ट WTO गए थे। तो देखिए यहाँ पर भारत WTO नहीं जा सकता था। WTO में उन प्रोडक्ट के लिए आप अपील नहीं कर सकते जिनको एक्सपोर्ट करने वाला देश सब्सिडी के तहत बनवाता है। दरअसल भारत में ये सारे उद्योग और ज्यादा विकसित हो, और ज्यादा ग्रो हो, हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, इस वजह से भारत कई सारी फील्ड में सब्सिडी प्रोवाइड करवा रहा है, जिसमें स्टील का क्षेत्र भी है। अब भारत के अंदर स्टील मैन्युफैक्चरर्स को भारतीय सरकार सब्सिडी दे रही है, इस वजह से वो ज्यादा मात्रा में स्टील का उत्पादन कर रहे हैं और दूसरे देशों की तुलना में काफी सस्ते दामों पर इन्हें एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल इनके ऊपर इम्पोर्ट शुल्क लगाया जा सकता है। तो इसी कानून के तहत यूके ने 4% एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया था। लेकिन दोस्तों फाइनली यूके की ट्रेड रेमेडीज अथॉरिटी द्वारा एक अनुशंसा की गई यूके की गवर्नमेंट के सामने कि भारत के ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है ये आप हटा दीजिए, क्योंकि भारत का स्टील अगर मार्केट में आता है तो उससे हमारे खुद के व्यापारियों को कोई विशेष नुकसान नहीं हो रहा है। तो ये सारी बातें जब यूके की गवर्नमेंट के पास गई तो उन्होंने ये टैक्स हटा दिया। तो कहने का मतलब अब कॉम्पिटिशन वापस से बढ़ेगा, भारत का स्टील काफी ज्यादा सस्ते दरों पर भारतीय व्यापारी पहुंचा पाएंगे, तो अब इसका एक्सपोर्ट बहुत बड़े स्केल पर यूके के अंदर होने जा रहा है। वैसे ये इतना ज्यादा आसान भी नहीं था कि यूके की गवर्नमेंट ने देखा कि हमारे व्यापारियों को कोई नुकसान अब नहीं हो रहा है तो भारत से आने वाले स्टील के ऊपर जो शुल्क लगाया जा रहा है उसे हटा दिया जाए, बल्कि इस वजह से कि यूके के अंदर ये जो हमारा स्टील पहुंच रहा था ये कई सारे क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा रहा था। ये स्टेनलेस स्टील टाइप का था और ये कई सारे प्रमुख उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता था। आप चूंकि अगर रॉ मटेरियल आपको सस्ता मिलेगा तो डेफिनेटली जो उत्पाद बनकर तैयार होगा वो भी सस्ता ही होगा। तो सस्ते उत्पादों के चलते भारत का ये जो स्टील है जिसके ऊपर शुल्क लगाया गया था वो हटा दिया, ताकि भारत से सस्ता रॉ मटेरियल आए, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग करने में कोई दिक्कतें ना जाए और जब प्रोडक्ट बनके तैयार हो तो वो भी काफी सस्ते दरों पर मिल पाए। तो ये पूरा उद्देश्य है यूके का, जिससे उसका डेफिनेटली फायदा है। लेकिन अगर बात की जाए भारत की तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि तगड़े तरीके से मुनाफा हमें होने जा रहा है। अब दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।